गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू PBR स्टडी। कैसे हैं आप सभी भाई? आपकी सुबह की क्लास शुरू हो गई, 5 बज चुके हैं। तो अब हम देखेंगे HCF, जिसे हम लोग बोलते हैं मासा। दोस्तों HCF का मतलब क्या होता है, थोड़ा आवाज़ सही कर देते हैं फिर आपको बताते हैं, ठीक है? देखिए HCF मतलब होता क्या है रियल में, हाइएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों संख्याओं को काटे, ठीक है? तो हम देखेंगे भाग विधि से। ध्यान दीजिएगा, भाग विधि से HCF इसका उत्तर कितना होगा, जल्दी से आप लोग बता दें कितना आएगा। सिंपल में जो नंबर दिया है, जैसे हमें दिया है 12 और 15, इसका HCF निकालना है, तो आपको ऐसे बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग दे देना है। तो 12 एकम 12 घटा लिया तो आ गया 3। जो शेषफल आएगा उस शेषफल से फिर से इस भाजक में भाग दे देंगे, यानी 3 से 12 में, और ये हो जाएगा 3 चौक 12। लास्ट में आ गया 0। जब शेषफल 0 आ जाए, देखिए एक भाजक ये है एक ये, जो लास्ट में जिससे कटता है वही क्या होता है आपका HCF होता है। HCF कितना आ गया, 3 आ गया। इस तरह से ऑप्शन ये आपका सही हो गया। ये तो था 2 पद, लेकिन जब 3 पद होते हैं तो कैसे करते हैं? देखिए 3 पद होते हैं तो कैसे करते हैं, ध्यान दीजिएगा। पहले हम 2 पद का आपको एक क्वेश्चन और करवा देते हैं, फिर 3 पद पे आएंगे, ठीक है? तो ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए हमने लिखा है यहाँ पर ये 14 और ये 17। 14-17 का HCF क्या होगा, 3 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 5 होगा। ध्यान दीजिए, अब इन्हें हम भाग करेंगे 17 को 14 से, तो 14 एकम 14 घटाने कितना आया 3, ठीक है? अब 3 से हम भाग करेंगे किसमें भाई, ये 14 जो है ना, इसको फिर से ला के इसमें भाग कर देंगे, तो 3 चौक कितना हो गई है 12, घटाने पाया 2, ठीक है? अब देखिए 2 जो आया वो 0 नहीं आया, जब तक 0 ना आ जाए। पहले हमने 14 से भाग दिया, जो शेषफल आया उससे फिर 14 में भाग दिया, और फिर जब मैंने 3 से 14 में भाग दिया, जो फिर शेषफल आया यानी 2, ये देखिए 2 शेषफल आता है ना बाबू, 2 आता है ना, ये आया ना 2, मतलब ये 2 शेषफल आया ना। अब जो 2 शेषफल आया ना, उस 2 से फिर से भाग करेंगे 3 में, ये ऐसे, तो 2 एकम 2, ये एक आया ना। अब 0 भी नहीं आया, जब 0 आएगा तभी छोड़ेंगे, अब फिर भाग करेंगे 2 में 1 से, ये तो 1 2 ना 2, 0 आ गया ना, जब 0 आ गया छोड़ देंगे, यानी हमारा HCF कितना आ गया, HCF 1, ठीक है? क्लियर ना? तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे, अगर नहीं समझे तो बताइएगा, हम आपको फिर से बताएंगे, ठीक है? तो इस तरह से ये होता है HCF। देखिए 3 पद वालों का भी हम आपको बता देंगे, ध्यान दीजिए, जब 3 पद दिए हों, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर ये 3 था, मान लेते हैं कि आपको 3 पद में दे दिया कौन कौन, 6 8 और 14 का HCF, मान लेते हैं यहाँ पे 12 है, ज़्यादा अच्छा रहेगा, इसका HCF कितना होगा 6 8 और 12 का, भाग विधि से, याद रखिएगा ये भाग विधि है, ठीक है? भाग विधि, गुणनखंड विधि हम आपको बता चुके हैं। तो अब हम क्या करेंगे, जब 3 पद होंगे तो सबसे पहले हम छोटे छोटे पद को लेंगे, ठीक है? या कोई भी 2 पद ले लें, मान लेते हैं हमने ले लिया 2 पद, कौन सा, ये दोनों, कोई भी 2 पद ले लें, और बड़े संख्या में छोटे संख्या से भाग करें, तो 6 एकम 6, ये घटाने पर आ गया 2। ध्यान रहे क्या आया शेषफल, 2 ना, जो शेषफल आया है उसी शेषफल से फिर से इस संख्या में भाग दे देंगे, मतलब किसमें, जिससे पहले भाग दिए थे 6 से, मतलब पहले 6 से भाग किया था 8 में, अब जो 2 आया उससे भाग करेंगे 6 में, ये तो 2 3 6, ये हो गया 0, ठीक? अब क्या करेंगे, ये HCF आपका नहीं होगा अभी, क्यों, क्योंकि अभी 12 बचा हुआ है, अब 12 को भी भाग करेंगे 2 से, मतलब जिससे अंतिम में कट के 0 हुआ है उसी से जो बची हुई संख्या है उसमें भी भाग करेंगे। तो अगर वो संख्या कट जाती है उससे, यानी कि 2 से भाग किया तो 2 6 12, इसका मतलब शेषफल 0 आ गया, ये सबको सेटिस्फाइड कर रही है, अतः क्या हो गया हमारा, ये हो जाएगा HCF कितना हो गया 2। बात समझ में आई, ये 3 पद वाला था। 3 पद वाले में एक आप और देख लें जल्दी से, फट से तुरंत देख लें भाई, बिल्कुल देर ना करते हुए। देखिए जैसे कि अगर हमने आपको दे दिया 6 18 और 24, इसका HCF कितना होगा, कोई भी 2 पद ले लेते हैं, मान लेते हैं ये 2 पद ले लिए, चलिए 24 में भाग करिए 18 से, तो 18 एकम 18 घटाएंगे तो
अब जो छह आया ना शेषफल, उसी छह से फिर इसमें भाग कर देंगे 18 में, तो ये 6 3 18, अब ये कट के 0 आ गया। जो कटा जिससे लास्ट में किससे, 6 से कटा ना, उसी संख्या से जो बची संख्या उसमें भाग दे देंगे। तो बची संख्या हमारी 6 थी, 6 से 6 में भाग दिए, 6 आया फिर 0 आ गया। जब अगर 0 आ गया ना, इसका मतलब ये सबको सेटिस्फाइड कर रहा है, यानी यही क्या हो गया हमारा HCF, कितना आ गया 6। तो दोस्तों इस तरह से आपने देखा जीरो लेवल की क्लास का 20वां भाग। कैसे लगा आपको, अपने विचारों को जरूर बताइएगा। इसके अलावा हम आपको कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, इन्हें आप लोग जरूर देख लें और इन्हें आप करके और कमेंट करेंगे, जरूर कमेंट करेंगे अगर समझ गए तो, ठीक है ना। नहीं समझे तो बताइएगा, हम आपको फिर से बताएंगे। क्वेश्चन आप लोग नोट करेंगे, उसके पहले आपसे हमारी रिक्वेस्ट है, डिस्क्रिप्शन में आपको दो लिंक दी गई है, एक फेसबुक पेज लाइक करने के लिए PBR स्टडी के, एक अनअकैडमी की। तो आप लोग PBR स्टडी को अनअकैडमी पर भी फॉलो करें और फेसबुक पेज अवश्य लाइक करें। इसके अलावा मैथ आसान है चैनल को सब्सक्राइब करें और आप बेसिक मैथ एडवांस मैथ पढ़ें, ठीक है। तो क्वेश्चन आप लोग लिखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आंसर बताइएगा। पहला है 3, 8 और 5 का HCF कितना होगा, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, वो है क्या 12, 28 और 18 का HCF, ये आपके लिए होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर थर्ड आप लोग जल्दी से लिख लें, 6, 18 और 38 का HCF, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर फोर है, आप लोग इसे जल्दी जल्दी सभी लोग नोट करें, 6, 24, 32 का HCF, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर फाइव आप लोग इधर साइड में लिख लें बाबू जल्दी से, और वो क्या है 12, 22 और 42, ये 5 क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को देना है, ठीक है। और हमारी उम्मीद है कि सभी लोग सही आंसर देंगे 5ों का, और आप लोग इन्हें कमेंट अवश्य करिएगा। और हाँ एक बात और आपको बता दें, जो लोग आगरा से बिलोंग करते हैं आज यानी कि 16 नवंबर को लगभग में 11 बजे से 12 बजे के बीच हम ताजमहल के पास मिलेंगे, अगर आप लोग चाहें तो मिल सकते हैं। जो भी लोग मिलना चाहेंगे वो लोग ये क्वेश्चन लिख लिए हों तो वो लोग ये नंबर नोट कर लें, जो कि आप लोगों को पहले से भी मालूम होगा, 78 438 और कौन सा भाई 1 33 999 है ना, ये है। और एक नंबर है कौन सा आपका, वो आप लोग नोट कर लें केवल आज के लिए, 950 68 33 162। देखिए ये नंबर हम आपको नहीं देते हैं वैसे हर दिन कभी भी, लेकिन आज दे रहे हैं स्पेशली, तो आप लोग इसी नंबर पे कॉल करिएगा क्योंकि उन नंबर पे हो सकता है फॉल ना उठे, ठीक है। तो बात समझ गए ना, आप लोग मिलेंगे तो वहाँ से हम लोग लाइव दिखाएंगे और सभी लोग अपने बातों को बोल सकते हैं, कह सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। थैंक यू, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, अभी थोड़ी देर बाद यानी कि 6 बजे की क्लास में हम आपको मिलेंगे DA लड़की क्लास लेके।